बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। पहले जल्दी से मेरी वीडियो को कर लें लाइक, और जो न्यू आया वो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। आज कुछ शक्कर के किचन में बनने लगी हैं फुलकियाँ। वो जो दही भले वाली फुलकियाँ ना, चाट में भी यूज़ होती हैं, आप रायते में भी डालते हैं, वो आज मैं बनाने लगी हूँ। ओके, ये मैंने बेसन लिया है 200 ग्राम, और साथ मैंने ये लिया है सॉल्ट 1/2 टीस्पून, और साथ मैंने क्यूमन सीड ली है 1/2 टीस्पून, साथ मैंने लिया बेकिंग सोडा 1 पंच। ओके, साथ वाटर। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ जाएगा मिक्स वेल। अब इसमें जाएगा वाटर, थोड़ा सा आपने थिक रखना है। अब फुल्की आप घर में बनाएं, बाज़ार की फुल्कियों को करें बाय बाय। पता नहीं कौन सा ऑयल वो यूज़ करते हैं, और घर के फ्रेश ऑयल में आप बनाएं। देखें गाइस, ये मेरा बैटर हो चुका है रेडी। इतना आपने रखना है, ये देखें ऐसे। ओके, अब 5 मिनट्स के लिए इसे रेस्ट देते हैं, फिर बनाते हैं। ये देखें गाइस, मैंने पैन में डाल दिया ऑयल, और ये देखिए थोड़ा सा मैंने चेक किया है, रेडी है टू कुक। अब इसमें हम ये लेना है अपने स्पून ऐसे, ये देखिए। अब ये छोटे वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बैटर आपने ऊपर इसके डाल, देखिए अब इधर आपने ऐसे प्रेस करना है। ऐसे फुल्कियाँ आपकी बन दी जाएंगी। ठीक है गाइस, ये देखिए गाइस, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए गाइस, अब मैंने ये वाला स्पून लिया। अब ये स्टाइल की बनाते हैं आपके, ये हैंड के साथ मैं करती हूँ। ये देखिए गाइस, एक उस स्टाइल से बनाई है, इस स्टाइल से मैंने बनाई है। ये थोड़ी बिग साइज की है और थोड़ी शॉर्ट है। ये देखिए घर में रेडी करें फुल्कियाँ। ये थोड़ी सी कुक होते हैं, फिर निकालते हैं, फिर योगर्ट में ऐड करेंगे। ये देखें गाइस, माशाल्लाह मेरी फुल्कियाँ हो चुकी हैं रेडी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई हैं। ये मैंने छोटे वाली बनाई है, ये थोड़ी बिग वाली बनाई है, देखें माशाल्लाह। अब आप इसे थोड़ी देर भिगो दें, नहीं आपने भिगोना, क्योंकि आजकल का दही इतना थिक तो होता नहीं है। आप योगर्ट में ऐसे ही डाल दें, इसे ऐड कर दें, और साथ थोड़ा सा मिल्क आप डालें, और साल्ट हल्का सा डालें, और थोड़ा सा वो जीरे को, साबुत ज़ीरा जो होता है वो उसे डालें, और उसे बस रख दें थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट, और इतनी मज़े की फूल के मोटी मोटी हो जाएंगी, और आपका योगर्ट भी थोड़ा थिक थिक होगा, मिल्क का टेस्ट आएगा, योगर्ट का आएगा, साथ फुल्कियों का इतनी ज़बरदस्त। आप इसे पुलाव के साथ हीट करें, आप इसे बिरयानी के साथ करें। वैसे अगर आपका दिल कर रहा है आज सालन नहीं खाना, ऐसे ही आप रेडी करें, योगर्ट में डालें, और थोड़ा सा अनियन भी उसमें कट कर लें। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा तीखा हो, चाट मसाला थोड़ा सा डालें, चिली फ्लेक्स थोड़ी सी ऐड करें, ग्रीन चिली करें, और मज़े लेके खाएं। हम तो ऐसे ही खाते हैं, जब नहीं दिल करता खाना खाने को ऐसे ही बना लेते हैं, बोल भर के खा लेते हैं। इतना मज़ा आता है यम्मी की घर में रेडी होने वाली चटपट। देखिए रेडी कर दी आपसे, लेकिन आपको ये ऐसे रेडी करनी है आपने। ओके, कैसी लगी आपको मेरी आज की डिश? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, आपको मेरी फुल्कियाँ कौन सी अच्छी लगी, ये वाली कि वो वाली, दोनों स्टाइल की मैंने आपको बना के सिखाई हैं। किसी दिन आपको मैं भल्ले भी बना के सिखाऊंगी, उसका भी बड़ा मज़ा। इतने मज़े के घर में रेडी होते हैं, झटपट रेडी हो जाने वाली ये चीज़ है। ओके गाइस, अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी एक नई डिश लेके, मज़े की डिलीशियस सी कोई रेसिपी लेके आऊँगी, या कोई क्यूट सा व्लॉग लेके आऊँगी। तब तक ले मुझे शक्कर को दीजिए इजाज़त, और प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच किया करें, लाइक किया करें, इसे शेयर किया करें, और जो न्यू आए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्लीज़ आप वीडियो ऐसे ही देख के भाग रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आपका कुछ नहीं जाना, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओके, ढेरों दवाओं के साथ आज की वीडियो को करते हैं वाइंड अप। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर हो जाऊंगी, तब तक के लिए मुझे शक्कर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।